तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब हनुमान ने दो दिन कंप्लीट कर लिया, सेकंड डे है। और भाई साहब इस मूवी की दाद देनी पड़ेगी यार, ना कोई बिग स्टार, ना कोई बड़ा डायरेक्टर और ना ही कोई बड़ा बजट। भाई बहुत छोटे से बजट में इस मूवी को बनाया गया। पूरे अंडर रेटेड स्टार है, अंडर रेटेड डायरेक्टर है, बावजूद इसके जो इसने अपनी छाप छोड़ी है अपने प्रमोशनल स्ट्रेटजी के दम पर, अपने कॉन्टेंट को इस तरीके से निखार के लोगों के सामने लेके आए, वो एक प्रॉमिस दिया कि भाई जब हम आएंगे फाड़ के जाएंगे। और यस, जब वो डे ओपनिंग कल थी फाड़ के गए हैं। बावजूद इसके भाई बहुत क्लैश था साउथ की मूवीज़ में, मैं बताऊँ बहुत क्लैश था भाई। साउथ से ही मेजर ऑफ द मेजर कलेक्शन आते दिखा है, तेलुगु से खासकर, और तेलुगु में ही कल दो तीन मूवी रिलीज हुई हैं लाइक गंतूर कारम। भाई वो अलग आग फाड़ के गई, अगर सिंगल रिलीज होती तो गंतूर कारम और भी जाती, लेकिन हनुमान अपने दम पर बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आया। देन कैप्टन मिलर भाई, सुपरस्टार धनुष किस कौन नहीं जानता, वो भी पैन इंडिया मूवी रिलीज करी गई थी। बावजूद उसके भाई हनुमान ने जो अपने खाते में कलेक्शन लेके आई है, और जिसका जितना भी इसका बजट था उसने डे वन पर ही अपने कंप्लीट करते ये मूवी नज़र आ रही, तो ऐसा मानना पड़ेगा। और दमदार मूवी तो है ही ये, क्योंकि रिव्यू बहुत पॉजिटिव आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ में इस मूवी को देखा गया, भाई हिंदी ऑडियंस में भी पागलपन था इस मूवी के लिए। सुपर हीरो बेस पर ये मूवी को बनाया गया था, जिसके हनुमान की जो पावर है वो उससे रिलेटेड पावर उसमें सुपर हीरो में हमें दिखाया गया है। और जो भी स्टोरी कॉन्टेंट है बहुत दमदार है भाई साहब। तो वही चीज़ की भाई कॉन्टेंट इज द की, पब्लिक जब बोलती है ना, जनता जब बोलती है, तो आपके सामने चाहे महेश बाबू हो, चाहे धनुष हो, चाहे बड़े से बड़ा सुपरस्टार ही क्यों ना हो, भाई हमें कंटेंट की परख है, जनता को कंटेंट की परख है। और वही परख कल होते नजर आई है, और जबरदस्त कलेक्शन हनुमान अपने डे वन पर करते नजर आई है। तो अभी सारी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे, कल पूरा दिन कैसा क्या सिनेरियो रहा है, कितनी ऑक्यूपेंसी रही है, कितना ये कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक करते नजर आ रही है, आज का दिन कैसा है, आज एडवांस बुकिंग में क्या हाल चल रहे हैं, आज ये कितनी कलेक्शन करते नजर आ रही है, क्या कल के मुकाबले आज ऑक्यूपेंसी और ज्यादा बढ़ गई है, सारी चीजों पर एक एक करके नजर मारेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि भाई सपोर्ट बहुत जरूरी है ऐसी चटपटी एंड धमाकेदार अपडेट्स के लिए, जो आप बार बार रूबरू होते रहे हमसे, उसके लिए भाई सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं भाई, डे वन की ओपनिंग शानदार रही, एडवांस बुकिंग जहां 3,19,00,000 के आसपास देखने को मिली थी, लेकिन भाई सोचा जा रहा था कि यार इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं आएगा, लेकिन वर्किंग ऑडियंस ने जो काम किया है, मतलब फर्स्ट हाफ मूवी काफ़ी सुबह ही लग गई थी, और जब 10-11 बजे तक रिव्यू आए हैं, देन उसके बाद आफ्टरनून और नाइट में जो हाल देखने को मिला है भाई अभी बताऊंगा। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल की, ओवरऑल से पहले मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कल 56% थी, लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा, मतलब कुछ होगा या फिर ना हो, खाली पैसा वेस्ट जाए। तो मॉर्निंग के बाद जैसे ही रिव्यू आए हैं भाई, धमाकेदार ऑक्यूपेंसी चढ़ी, आफ्टरनून में ही 76% सीधा भाई 20% की ऑक्यूपेंसी चढ़ गई, क्योंकि पॉजिटिव रिव्यू आए थे। इवनिंग शोज में 75%, नाइट शोज में 90%, और हनुमान को ओवरऑल डे में, मतलब पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक 74% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मिली थी भाई। तो तबाही मचाती नजर आई ये मूवी कल डे वन पर। अर्ली एस्टिमेट है नेट इंडिया से 11,91,00,000 का, जिसमें सिर्फ तेलुगु से 9,85,00,000 का कलेक्शन ये मूवी करते नजर आ रही है, और हिंदी से 2,00,00,000 एंड रेस्ट ऑफ द कलेक्शन मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, भाई बहुत लैंग्वेज में इस मूवी को रिलीज किया गया, मल्टीपल डब्ड वर्जन में लाइक 7-8, ओवरसीज में भी जैपनीज, चाइनीज, कोरियन, स्पेनिश एंड इंग्लिश में भी शायद इस मूवी को रिलीज कराया गया है, लेकिन अभी ये इंडिया में ही अच्छा खासा कलेक्शन ही अपने खाते में लेके आई है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 14,50,00,000 एंड पूरी दुनिया से 15,00,000 ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक अपने ओपनिंग में करते नजर आ रही है, और बजट है 12,00,000 का। तो भाई अपने डे वन पे ही इस मूवी ने जबरदस्त कमाई कर ली है। और आज बात करें डे टू की, तो भाई साहब आज तो और भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, 5% का रेज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज डे टू के लिए है 80%, एडवांस बुकिंग आज है 4,00,00,000 के आसपास, और नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट आज के दिन मूवी का नज़र आ रहा है भाई 14,00,000 ओवरऑल, मतलब सारी लैंग्वेज को मिलाकर, जहां तेलुगु से ही मेजर कलेक्शन आते नज़र आ रहा है 11,00,000 और हिंदी से 3,00,00,000, और इसी के साथ भाई साहब टोटल क्रॉस इंडियन कलेक्शन ये मूवी 17,00,000 के आसपास करते नज़र आ रही है। बाकी लैंग्वेज में भी अच्छी खासी कमाई करते नज़र आ रही है, लाइक मलयालम, कन्नड़ा एंड तमिल, क्योंकि वहाँ से भी अच्छा कलेक्शन देखने को मिला है, बट मेजर नहीं, मेजर सिर्फ तेलुगु और हिंदी से देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया से आज डे टू पर 18,00,000 के आसपास ये मूवी कवर करते नज़र आ रही है। तो पहले दो दिन में नेट इंडिया से ये मूवी कवर कर लेगी कितना, 26,00,000, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 31,50,00,000, और टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 33-34,00,000 के आसपास देखने को मिल रहा है।
भाई साहब मजा आ गया, क्योंकि हनुमान के पास ना कोई बड़ा चेहरा था, हनुमान के पास ना कोई बड़ा डायरेक्टर था, हनुमान के पास ना कोई बड़ा बजट था, क्योंकि इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी होती है तो मूवी को बहुत ज़्यादा पहले ही एक बूस्टर मिल जाता है, फेम मिल जाता है कि यार बड़े बजट में लाइक आदि पुरुष 600 करोड़ बोल के भाई जो जनता को जो बरगलाया है उन्होंने कि यार 600 करोड़ लगाए गए हैं, हो सकता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए, लेकिन जब गए तो रद्दी टट्टी जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं। और कल फुल डे ये भी ट्रेंड चला है कि ओम राउत भाई शर्म खाओ, आपके सामने 12 करोड़ के बच्चे ने, मतलब 12 करोड़ की छोटी सी मूवी ने इतना भयंकर तबाही मचाई है, जो जनता बाहर आ रही भाई VFX विजुअल इफेक्ट्स जो भी था सभी पे फाड़ के काम किया है, स्टोरी कंटेंट जो भी है दमदार है भाई, इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो के बेस पर जो भी स्टार्ट इन्होंने किया है भाई काबिले तारीफ काम किया है, इसलिए लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो आप अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो भाई, डे टू के लिए आज तो दमदार है, अगर आपने भी नहीं देखी तो जाके देखो मूवी, क्योंकि मूवी दमदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में।